मई 2020 फर्स्ट के फर्स्ट वीक से पहले ओप्पो A5 एंड A9 2020 के डिवाइस में एक न्यू अपडेट रोल आउट किया जाएगा ओप्पो की तरफ से, जिसमें अप्रैल 2020 फर्स्ट का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट होगा एंड उसी के साथ ही साथ हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा ओप्पो की तरफ से। एंड मिड में प्लस से हमारे डिवाइस में कलर ओशलोन की बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड उसके पहले हमारे डिवाइस में कलर ओशलोन की अल्फा टेस्टिंग भी हो सकती है, बट ये अपडेट ऑप्शनल रहता है कि किसी डिवाइस में अल्फा टेस्टिंग होती है एंड किसी डिवाइस में अल्फा टेस्टिंग नहीं। जरूरी नहीं आपकी डिवाइस में अल्फा टेस्टिंग हो। बट एक बात और, ओप्पो A5 एंड A9 2020 के डिवाइस में कलर ओशलोन का अपडेट लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड किया जाएगा ओप्पो की तरफ से, मतलब थोड़े से लंबे समय में रोल आउट किया जाएगा कलर ओशलोन का अपडेट। अब वहीं पे बात करते हैं ये अपडेट हमारे डिवाइस में फर्स्ट टाइम कितने फीटों के साथ में रोल आउट किया जाएगा ओप्पो की तरफ से। यह फर्स्ट टाइम ये अपडेट आपके डिवाइस में अप्रॉक्स 1K to 1.5K के बीच में रोल आउट किया जाएगा, मतलब 1000 से 1500 फीटों के साथ में ये अपडेट रोल आउट किया जाएगा आपके डिवाइस में। एंड एक बात और, वहीं पे बात करें साइज के बारे में, तो भाई इस अपडेट की साइज अप्रॉक्स 3GB प्लस में रहेगी, क्योंकि आपको पता है इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस पे कलर ओश वर्जन एंड एंड्रॉयड वर्जन सब कुछ चेंज कर दिया जाएगा ओप्पो की तरफ से एंड काफ़ी सारे फीचर को इंक्लूड किया जाएगा इसी कलर ओश लोन के बीटा अपडेट, अल्फा अपडेट या फिर स्टेबल अपडेट के बाद। हाँ, एक बात और, अगर बात करें स्टेबल अपडेट के बारे में, तो भाई स्टेबल अपडेट अपने बीटा अपडेट से 2 महीने बाद ही रोल आउट किया जाएगा, मतलब क्योंकि आपको पता है जब भी बीटा अपडेट को रोल आउट किया जाता है किसी भी स्मार्टफोन में तो उसमें काफी सारे बग वगैरह रहते हैं, तो धीरे धीरे अपडेट को प्रोवाइड करके उसी अपडेट को स्टेबल कर दिया जाता है। मतलब स्टेबल का मतलब सिर्फ यही होता है अपडेट फुली फ्री आप बग हो। यहाँ पे जब मिड में आपके डिवाइस में कलर ओशलोन का बीटा अपडेट रोल आउट किया जाएगा, मई के बाद आ जाता है जून, तो जून के मंथ में आपकी डिवाइस में एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट रोल आउट किया जाएगा, जिनका फोन ऑलरेडी कलर ओशलोन के लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड रहेगा, तो उनके डिवाइस में जो भी बग वगैरह देखने को मिलेंगे उन सभी बग को इम्प्रूवमेंट्स किया जाएगा। हालांकि फारे के फारे बग वगैरह तो इम्प्रूव नहीं हो सकते, क्योंकि एक साथ फारे के फारे बग को फिक्स करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो भाई यहाँ पे जो भी अपडेट रोल आउट किया जाएगा उसमें कुछ बग को फिक्स किया जाएगा एंड अगले अपडेट के साथ में सारे के सारे बग वगैरह को फिक्स कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद जैसे ही अपडेट को स्टेबल हो जाता है, मतलब अपडेट में जैसे ही फुली फ्री बग्स अपडेट हो जाता है, वैसे ही अपडेट पब्लिक कर दिया जाएगा ओप्पो की तरफ से। तो ये रहा पूरा फंडा कलर ओशलोन अपडेट का, तो मैं भी मेरे हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर की गई आप उससे जरूर सहमत होंगे। सो फ्रेंड्स दैट्स इट एंड बहुत सारा थैंक्स, वीडियो चली वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।